Regulatory framework. Myself, Professor Bharat Bastani. We are going to discuss today Unit 2, Indian Contract Act 1872, General Contracts. 25% is the weightage of this particular unit. Now, friends, we are going to start with Chapter 9, which is based on remedies for breach of contract. हमने overall Unit 2 समझने की कोशिश की है, जिसमें पहला chapter हमने पढ़ा था performance of contract. परफॉर्म करेंगे इफ यू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, वी विल गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. उसका एक मेथड ही है परफॉर्मेंस. अगर आपने जो प्रॉमिस किया फुलफिल कर देते हो, यू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म हो. लेकिन आप परफॉर्म नहीं करते, इफ यू डोंट परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो वादा किया नहीं निभाते, उसे क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया. अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके उपाय क्या है, रेमेडीज क्या है, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे. व्हाट आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली इसमें से आपको डैमेजेस के बारे में डिटेल में पूछा जाता है कि भाई ब्रीच होता है तो एक पक्षकार को नुकसान होगा, डैमेज होगा, तो डैमेज क्लेम कर सकता है. हाँ, कर सकता है. तो उसके रूल्स क्या है, आज हम वो समझने की. तो क्लियर है, in terms of performance, if you perform you get discharged from the contract, if you don't perform then it is considered as breach of contract. agar aap perform nahi karte ho to aapne breach kar diya hai, you broke the contract, aisa mana jayega. to us situation mein hamare paas kaun kaun se options available hai, to aaj hum discussion karne wale hain kaun se question ki. to sir question hamare screen pe aa chuka hai, explain the rule of damages on the basis of Hadley versus Bucks cases. Hadley versus Buxendall का जो केस है ये लैंडमार्क केस है, इसी के बेसिस पे से रूल्स बने हैं, रूल्स ऑफ डैमेजेस. ये केस 1854 में ये केस, ये घटना हुई थी, ये केस बना था, तभी इस केस के बेसिस पे रूल्स बना दिए गए. क्योंकि डैमेजेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के डैमेजेस होते हैं, तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं या नहीं क्लेम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो किस स्वरूप के कर सकते हैं, ये सारी चर्चा इस पर्टिकुलर केस के बेसिस पे आगे हम करेंगे. और इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछते हैं, पैटर्न क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, आंसर यही रहेगा. यूं समझ लीजिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस पूछ ले, या एक्सप्लेन द डिफरेंट रूल्स ऑफ डैमेजेस पूछ ले, कोई वेरिएशन नहीं है. आप जो मैं चर्चा अभी आपके साथ करने वाला हूँ, आप यही आंसर लिख सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन फर्स्ट, पहले इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं. सो पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस. व्हाट हैपेंस इफ द पार्टीज रिफ्यूज और फेल्स टू परफॉर्म द एग्रीड ऑब्लिगेशन. दो पक्षकार मिलते हैं, दो पक्षकार क्या करते हैं फिर मिलके, सर प्रोमिसिस एक्सचेंज करते हैं, दैट बोथ प्रोमिस टू परफॉर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. और एक्सपेक्टेशन भी रखी जाती है कि भाई उसने प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करेगा, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन. आप कोई भी वादा करते हो तो आप निभाओगे, ऐसा आप भी एक्सपेक्ट करते हो, सामने वाला भी एक्सपेक्ट करता है. अगर आप 50,000 के गुड्स किसी को दे रहे हो तो सामने से 50,000 की पेमेंट का भी एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा. फ्री में तो डिलीवरी देंगे नहीं, फ्री में तो गुड्स देंगे नहीं. तो वॉट एवर प्रोमिसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट बोथ द पार्टीज विल परफॉर्म. एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम ईच अदर, दोनों तरफ से ये एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट की जाती है कि भाई परफॉर्मेंस मिलेगा. लेकिन अगर परफॉर्म नहीं किया तो दो में से एक पक्षकार ने मना कर दिया, तो रिफ्यूज और फेल्स टू परफॉर्म, ये सिचुएशन हो गई. जो वादा किया था, मान लीजिए दो में से एक पक्षकार ने नहीं निभाया, फेलियर हो गया या रिफ्यूजल हो गया, तो क्या करेंगे, या मना कर दे परफॉर्म करने से, या वो चाहता है परफॉर्म करना लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे. सच अ फेलियर और रिफ्यूजल रिजल्ट्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप परफॉर्म करना चाह रहे थे बट यू फेल टू परफॉर्म, और यू रिफ्यूज टू परफॉर्म. हो सकता है परफॉर्म कर भी सकते थे पर आपने जानबूझ के मना कर दिया, ऐसा भी हो सकता है. या आप परफॉर्म करना चाहते थे लेकिन यू फेल टू परफॉर्म, ऐसी सिचुएशन में हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड. तो में से एक पक्षकार ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है, गद्दारी की है, जो वादा किया था वो नहीं निभाया. व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू कैरी आउट हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस, ही इज सेड टू हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट.
दो में से एक पक्षकार ने अपना वादा नहीं निभाया या वादा निभाने से इनकार कर दिया, देन उसको हम क्या मानेंगे सर? इन दैट केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है। अंडर सच केसेस द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जहां ब्रीच हुआ है, जहां जिसको नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ उस पक्षकार को हम क्या कहते हैं? एग्रीड पार्टी, इंजर्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार। अब जिसे नुकसान होगा वही कैलकुलेशन करेगा ना कितना नुकसान हुआ है, कि भाई जो चीज मुझे 100 रुपए में मिलने वाली थी अब मुझे 150 में बाहर से खरीदनी पड़ी है तो मुझे इतने का नुकसान हो गया। तो वो नुकसान आप कैलकुलेट करेंगे और क्लेम करने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू क्लेम दैट डैमेजेस अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कौन करेगा? जिसके साथ अन्याय होगा। तो चलिए अब चलते हैं लीडिंग केस पर, लैंडमार्क केस पर। इंग्लिश केस है हेडली वर्सेस बक्स एंडल, 1854 की एक घटना है। इस घटना में क्या घटा था ये समझते हैं। इस केस के बेसिस पे रूल्स ऑफ डैमेजेस रेडी किए गए हैं। 1854 का ये केस हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इतना डिटेल में जो दे रहा हूं ना आपको, स्टूडेंट लिखते ही नहीं है दोस्त, और लिखो आप इस तरीके से अच्छे से, क्या दिक्कत है? इतनी डिटेल में चर्चा आपकी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको हेडली वर्सेस बक्स एंडल केस के बारे में डिटेल मांगी है तो दो ना, अच्छे से लिखो ना। इतनी डिटेल में पढ़ना है और इतनी ही डिटेल में आपने ये मेंशन करना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, सेंटेंस फॉर्मेशन होने चाहिए अच्छे से। चलिए समझते हैं केस की डिटेल क्या है। हेडलीज मिल, एच यानी हेडलीज मिल वॉज स्टॉप्ड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ अ शाफ्ट टू बी, that is Bucks Handle, a common carrier, to be taken to the manufacturer to copy it and make a new one. अब Headley, इसमें तो पहले ये समझ लीजिए, how many parties are there? कितने पक्षकार हैं यहाँ पे, पहले वो समझ लीजिए। तो तीन पक्षकार है, पहला है Headley, दूसरा है Bucks Handle और तीसरा है manufacturer, middleman, third party. अब Headley की एक मिल है और उस मिल के अंदर क्या हुआ है, एक शाफ्ट टूट गया है, स्पेयर पार्ट समझ लीजिए मशीन का, वो टूट गया है, ब्रेकडाउन हो गया। उसने कॉमन कैरियर को यानी एक मिडलमैन, एक व्यक्ति को ये शाफ्ट दी है और ये शाफ्ट को पहुंचाने की बात हो रही है थर्ड पार्टी है मैन्युफैक्चरर, जो क्या करेगा, इस शाफ्ट को कॉपी करेगा और नई बना के देगा। ये रेडीमेड अवेलेबल नहीं थी, होती भी नहीं है, इसको एज इट इज सेम टू सेम कॉपी करके नई बनानी, ये सिचुएशन थी। तो Headley ने ये शाफ्ट कॉमन कैरियर को यानी कि मिल के मालिक ने कॉमन कैरियर को, मिडलमैन को, Bucks Handle को ये शाफ्ट दी और कहा ऐसी सेम टू सेम बनवानी है और ये आपने मैन्युफैक्चरर को दे देनी है। तो उसने मैन्युफैक्चरर तक पहुंचानी थी, मैन्युफैक्चरर काम का काम तक कॉपी करके नहीं बना के देनी। अब Headley had not made it known to be that delay would result in a loss of profits. By some neglect on the part of B, the delivery of the shaft was delayed in transit beyond a reasonable time. अब हुआ क्या? Headley ने बिल्कुल भी B से ये डिस्कशन नहीं की, शेयर नहीं किया, बताया नहीं कि भाई अगर देर होगी इसको बनने में, जितना डिले होगा, देरी होगी, उतना ही कंपनी को यानी कि Headley को लॉस होगा, मिल के मालिक को लॉस होगा, मिल को लॉस होगा, ये शेयर नहीं किया गया था। दिस वॉज नॉट शेयर्ड बाय Headley विद Bucks Handle। तो Bucks Handle को आइडिया नहीं था कि ये शाफ्ट टूट गई है और मिल का प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है और लॉस हो रहा है कंपनी को, ये Bucks Handle को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। वो अपने हिसाब से आराम से ये शाफ्ट पहुंचाता है मैन्युफैक्चरर को, थोड़ा डिले करता है, देरी हो जाती है। मान लीजिए 15 दिन में जो काम होना चाहिए था उसमें 1 महीना लग गया, 2 महीने ज्यादा समय। अब ऐसी सिचुएशन में मिल के मालिक को आया गुस्सा, क्योंकि जो काम 15 दिन में होना चाहिए था उसको मान लीजिए 2 महीना हो गया, तो वहां मिल बंद पड़ी रही और नुकसान हुआ। तो Headley ने कर दिया केस Bucks Handle के ऊपर कि Bucks Handle की वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो Bucks Handle को भरपाई करनी पड़ेगी। Headley फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेजेस, Headley ने केस किया Bucks Handle के ऊपर और उसने जो भी उसको नुकसान हुआ वो क्लेम किया। Headley filed a suit for Bucks Handle. Headley filed a suit for damages not only for the delay in the delivery of the shaft, but also for the loss of profit suffered by him for no work done in the factory due to delay. Headley ने दो तरीके की मांग की, एक तो जो देरी हुई, डिले हुआ, जितनी जल्दी मुझे मिलना चाहिए था शाफ्ट वो नहीं मिला, तो मेरे जो ऑर्डिनरी डैमेज हुआ है
जैसे सैलरी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, जैसे मैनेजर वगैरह है उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी, मिल चालू या बंद हो, कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं वो तो होने ही होने हैं। तो कुछ जो एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस स्वरूप के थे, जिसे हम ऑर्डिनरी डैमेजेस कह सकते हैं, जनरल डैमेजेस कह सकते हैं, वो क्लेम किया वो मिला। लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट जो मांगा गया, विच इज कंसिडर एज इनडायरेक्ट लॉस एक तरीके से, विच इज कंसिडर एज नॉट अ डायरेक्ट लॉस, इट इज एन इनडायरेक्ट लॉस। ऑक्सेंडल ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको अदालत जाना पड़ेगा, उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से मिल को नुकसान होगा, और हेडली ने सोचा भी नहीं होगा कि ये नुकसान की वजह से उसको अदालत जाना पड़ेगा और उससे प्रॉफिट भी मांगा जाएगा। जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, वो भी उससे क्लेम किया जाएगा। इतना इनडायरेक्ट लॉस, रिमोट लॉस, दूर का जो नुकसान हुआ है वो उसने सोचा भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट लॉस के बारे में भी उससे क्लेम किया जाएगा, ही नेवर थॉट ऑफ। जजमेंट क्या है, जजमेंट देखते हैं, held that Hadley was entitled only to ordinary damages. Hadley को क्या मिला, सिर्फ Hadley को सिर्फ वो recover, क्या recover कर पाया, सिर्फ ordinary damages recover कर पाया। उसको पूरा अधिकार था कि वो ordinary damages claim कर सकता है और उसको मिलेगा भी। And B was not liable for loss of profits during the period of delay as the circumstances communicated to B did not show that a delay in the delivery of shot would result into loss of profits to the mill. कोई शेयर नहीं किया था, देखिए हेडली ने बिल्कुल बताया नहीं था बी को कि अगर आप देरी करेंगे, इफ यू मेक डिले इन द डिलीवरी ऑफ द शाफ्ट, इट विल बी कंसिडर एज लॉस टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री को, मिल को नुकसान होगा। ये शेयरिंग, ये जो इंफॉर्मेशन थी शेयर नहीं की गई थी, मिल के मालिक ने शेयर ही नहीं की बक्सेंडल से, नहीं तो बक्सेंडल सीरियस होता और वो शायद ये घटना ही नहीं घटती अगर वो शेयर कर देता, समय सर शायद काम हो जाता, 15 दिन में नई शाफ्ट बन जाती अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। कम्युनिकेशन क्या, हमेशा अच्छे से कम्युनिकेट करिए ताकि हमें नुकसान ना हो, सामने वाले को नुकसान ना हो। हेडली की मिसकम्युनिकेशन की वजह से मक्सेंडल को तो पता ही नहीं कि मिल बंद रहेगा, मिल बंद रहेगा तो कंपनी को लॉस होगा, ये तो सोचा ही नहीं। तो ये समस्या यहाँ पे क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम किए गए, यानी क्लेम तो दो तीन तरीके के डैमेजेस क्लेम किए गए, लेकिन मिला सिर्फ क्या हेडली को, ऑर्डिनरी डैमेजेस, ना ही स्पेशल डैमेज मिला, ना ही इनडायरेक्ट लॉस वुड बी रिकॉर्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर। तो यहाँ एक बात तय हो गई कि ऑर्डिनरी डैमेजेस तो आप अगर प्रूव कर देते हैं कि आपको ये नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, वो मिलना ही मिलना है, लेकिन कोई स्पेशल लॉस होगा अगर आप साबित कर देते हैं तो मिलेगा, यहाँ कोई इनडायरेक्ट लॉस हुआ वो भी आप साबित कर देते हैं तो आपको, लेकिन स्पेशल लॉस को आप अगर साबित करते हैं तो ही मिलेगा, इनडायरेक्ट लॉस कभी नहीं मिलेगा। ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ ना, ये कभी नहीं मिलेगा, ये तभी मिल सकता है अगर आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर आप देरी करेंगे, ब्रीच करेंगे तो मुझे नुकसान होगा, मिल को नुकसान होगा, तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, इस तरीके का क्लैरिफिकेशन होगा तो ही मिल सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो क्लैरिफिकेशन, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी है, जो यहाँ नहीं किया गया था। तो ना ही स्पेशल स्वरूप का लॉस, ना ही इनडायरेक्ट लॉस, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस कुड बी क्लेम इन दिस पर्टिकुलर केस। इसी केसेस के बेसिस पे आगे रूल्स रेडी हुए थे, अब हम आगे अब रूल्स की चर्चा पे चलेंगे डिटेल में। सबसे पहले रूल पे चलते हैं, रूल्स ऑफ डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ हेडली वर्सेस बक्सेंडल केस, उस केस की बदौलत रूल्स ऑफ डैमेजेस यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेस हमारा वही केस है, उसी केस की वजह से बहुत सारे रूल्स वन बाय वन बने, हो सकता है उसके बाद भी बहुत सारे केसेस बने होंगे और उसकी वजह से और भी रूल्स ऐड होते हैं, पर फिलहाल हम जो बेसिक तीन रूल है पहले वो समझ लेते हैं, जिसमें एक ऑर्डिनरी डैमेजेस आता है, दूसरा स्पेशल डैमेजेस आता है, और तीसरा आता है इनडायरेक्ट लॉस, यहाँ कह सकते हैं रिमोट लॉस। ये बेसिकली तीन लॉस की चर्चा इस पर्टिकुलर केस के बेसिस पे हम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहला डैमेज समझने के लिए, पहला लॉस समझने के लिए, ऑर्डिनरी डैमेजेस यानी कि सामान्य नुकसान, जनरल लॉस किस स्वरूप का होता है पहले समझ। A party who suffered by breach of a contract is entitled to only such damages which arises naturally in the usual course of things as a result of such breach.
This means that the damages must be a nearest cause of the breach of contract. Such damages are known as ordinary or general damages. अब ordinary और general damages किस स्वरूप के होते हैं सर? ये normally हमारे regular जो हम business करते हैं, जो हमारे daily life में जो हमारी activities चलती है, जो एक काम करते रहते हैं normal routine business के अंदर, उसमें जो हमारा loss होता है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन इजीली कैलकुलेट इट इन मॉनिटरी टर्म्स. आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. और बिजनेस से जुड़ा हुआ ये सबसे नजदीकी मामला है. ये डैमेज को एक तरीके से नियरेस्ट कॉज माना जाता है. जो ब्रीच होता है उसमें जैसे ही ब्रीच होता है, नॉर्मल डैमेज तो कॉमन बात है, जनरल डैमेज तो होना ही होना, ऑर्डिनरी डैमेज तो होना ही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको नियरेस्ट कॉज माना जाता है. तो जैसे ही कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, आइदर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, यानी दो में से एक पक्षकार को नुकसान होगा, और सबसे पहला नुकसान अगर कोई होगा ना, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है. ये तो होना ही समझ लीजिए 99% ये नुकसान होना ही होना है. इस स्वरूप का ये नुकसान होता है. इट इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट लॉस. इसको डायरेक्ट लॉस कहते हैं. ब्रीच हुआ, आपको यूं समझ लीजिए डायरेक्ट लॉस होना ही होना है. वो ये नेचुरली अराइज करता है इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, और ये आम बात है यूं समझ लीजिए. और उस ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कह सकते हैं या जनरल डैमेजेस भी हम इसको कह सकते हैं. इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका मेजरमेंट ये, द मेजर ऑफ ऑर्डिनरी डैमेजेस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्राइस. दो प्राइस की डिफरेंस निकालो, आपको ऑर्डिनरी डैमेज रेडी. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपने ऑर्डिनरी डैमेज कैलकुलेट कर लिया. तो ऑर्डिनरी डैमेज इज इक्वल टू यू कह सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. क्या फॉर्मूला बनेगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो आ जाएगी आपके नुकसान की रकम. चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जेड यस फॉर एग्जाम्पल जेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर 1200 बैग्स ऑफ राइस एट ₹200 पर बैग ऑन अ फ्यूचर डेट. ऑन द ड्यू डेट ही रिफ्यूजेस टू डिलीवर. जेड कॉन्ट्रैक्ट करता है अन्य पक्षकार से कि वो एक पर्टिकुलर डेट को मान लेते हैं कि भाई 10th सितंबर को 1200 बैग्स की डिलीवरी करने वाला है. एक बैग की प्राइस है 200. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. 200 पर बैग यानी ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है. 10th सितंबर को मान लीजिए डिलीवरी के लिए. ऑन द ड्यू डेट ही रिफ्यूजेस टू डिलीवर. ऑन द ड्यू डेट जिस दिन डिलीवरी देनी थी उसी दिन उसने ब्रीच किया. ये कौन से प्रकार का ब्रीच हुआ? एक्चुअल ब्रीच. कैसा ब्रीच हुआ? एक्चुअल ब्रीच. जिस दिन परफॉर्म करना था उसी दिन रॉन निकाली, यानी मना कर देते हैं परफॉर्म करने से. द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज ₹250 पर बैग. देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 200 का था, मार्केट प्राइस हो गया ₹250, यानी ₹50 का डिफरेंस आ गया. The measure of damage is the difference between the market price on the date of breach and the contracted price. Yani market price kitna ho gaya? 10th September ko jab perform karna tha, 200 ke hisab se perform karna tha, bande ne mana kar diya, refuse kar diya, main perform nahi karunga, main aapko maal nahi dunga. Us wajah se jo promise tha usse wahi cheez market se kharidni padi 250 mein, yani ek bag pe ₹50 zyada dene pade. ₹50 का एक बैग पे नुकसान हो गया जिसे हम ऑर्डिनरी डैमेज मानेंगे. टोटल नुकसान कितना हो गया? कितने बैग्स खरीदे मार्केट से? 1200 बैग मल्टीप्लाई पे 50 कितना हो जाएगा? कितना नुकसान हो गया? ₹60,000 का नुकसान हो गया. तो जिसे ये नुकसान हुआ है एग्राइड पार्टी द पीड़ित पक्षकार इज एंटाइटल टू रिकवर 60,000 एज ऑर्डिनरी. ₹60,000 का आप क्लेम कर सकते हैं. इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है. आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने मार्केट से 250 में खरीदा है. साबित तो करना पड़ेगा कि आपको नुकसान हुआ है. तो आपके पास एक ओरिजिनल बिल की कॉपी अगर होती है तो आपका काम आसान हो जाता. चलिए फिर चलते हैं सेकंड लॉस पे, जिसे कहते हैं रिमोट लॉसेस या रिमोट डैमेजेस. इनडायरेक्ट लॉस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम भी है. रिमोट डैमेजेस आर ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट लॉस. नाम याद रखना.
Compensation cannot be claimed for any remote and indirect loss or damage by reason of the breach. मनाही कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया है कि आप कोई भी प्रकार का कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर नुकसान का स्वरूप आपका दूर का है, रिमोट डैमेज हुआ है या इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, परोक्ष प्रकार का नुकसान अगर आपको हुआ है, आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान हम क्लेम ही नहीं कर सकते। लॉ मना कर रहा है, साफ साफ मना कर रहा है कि कोई भी स्वरूप का इनडायरेक्ट लॉस अगर आपका हुआ, यू कैन नॉट क्लेम ड्यू टू ब्रीच। इवन इफ इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट क्लेम एनी टाइप ऑफ रिमोट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस। यस, इस स्वरूप का लॉस होता है कि इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। द रिमोट डैमेजेस डज नॉट अराइज नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स बट बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सच डैमेजेस अराइजेस इनडायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। ये हमारे डेली ट्रांजेक्शन हम जो करते हैं, रूटीन ट्रांजेक्शन हम जो करते हैं, उसकी वजह से नहीं होता है, ये हार्डली होता है, इस स्वरूप का नुकसान हार्डली होता है, इसके बारे में पक्षकारों ने सोचा भी नहीं होता है। लेकिन ऑर्डिनरी डैमेजेस तो, यानी मैंने कहा ना, आम बात होती रहती है, ऐसी घटनाएं तो घटती रहती, जैसे ही नुकसान हुआ ऑर्डिनरी डैमेजेस सामने आके खड़ा हो जाए। जो चीज आपके लिए महंगी हो गई उसी दिन जिस दिन ब्रीच किया गया, वहां ऑर्डिनरी डैमेजेस आ जाते। लेकिन बात आती है रिमोट डैमेजेस की, इसका कैलकुलेशन ही नहीं होता है, आपने कैलकुलेशन ही नहीं किया हुआ है कि आपने सोचा भी नहीं इस तरीके का लॉस। Thus, the aggrieved party is not entitled to any remote or indirect losses. यानी जो पीड़ित पक्षकार है वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकता इनडायरेक्ट लॉस, ही कैन नॉट नेवर एवर क्लेम इनडायरेक्ट और रिमोट लॉसेस। क्लेम करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा आपको, ये नुकसान कभी भी, इसकी भी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। नेवर यू कैन, यू आर नॉट एट ऑल एंटाइटल टू क्लेम इट, एंड इफ यू क्लेम इट यू विल नॉट एबल टू रिकवर इट। ये वो सिचुएशन। इसके ऊपर भी एक उदाहरण लेते हैं। इसके ऊपर भी एक उदाहरण लेते हैं। ये केस है हॉब्स वर्सेस लंदन एंड SW रेलवे कंपनी 1875 का एक केस है। बढ़िया केस है, हस्बैंड वाइफ का केस है। मीन्स हस्बैंड वाइफ ट्रैवलिंग कर रहे थे और हस्बैंड ने केस किया रेलवे कंपनी के ऊपर। बहुत डेयरिंग वाला काम किया हस्बैंड ने, रेलवे कंपनी को अदालत लेके गया। सच्चा प्यार होता है वहाँ, ये पॉसिबल है, बाकी तो ठीक है। बाकी कुछ लोग के पास समय होना चाहिए अदालत जाने के लिए, मुश्किल काम है। एक्स रेलवे पैसेंजर्स वाइफ कॉट कोल्ड एंड फेल इल ड्यू टू हर बींग आस्क्ड टू गेट डाउन एट अ प्लेस अदर देन द रेलवे स्टेशन। And she had to walk a long distance in drizzling night to reach home. X नाम की व्यक्ति जो रेलवे पैसेंजर थी, जो H की वाइफ थी, H कौन है? Hobbs. Hobbs की वाइफ है X. X नाम की व्यक्ति H की वाइफ है, H हस्बैंड है और उसकी वाइफ X है, ये समझ लीजिए। हस्बैंड वाइफ ट्रैवलिंग कर रहे थे, जिसमें से एक्स नाम की पैसेंजर, यानी जो वाइफ पैसेंजर है रेलवे पैसेंजर, उसे सर्दी हो गई, कॉमन कोल्ड या कोल्ड, और साथ साथ में वो बहुत ही बीमार हो गई। और बीमार होने का कारण क्या है, सर्दी और बीमार होने का कारण क्या है, वो उन लोगों को आधे रास्ते में उतर जाने के लिए कहा था। यानी ये जो एक्स पैसेंजर है, एक्स नाम की पैसेंजर, उसे आधे रास्ते में उतर जाने के लिए था, शी हैड टू वॉक, और उसे रेलवे स्टेशन पे उतारना था, लेकिन रेलवे स्टेशन पे नहीं उतारा गया, आधे रास्ते में उतारा गया ट्रेन से, और वहां से उनको चलते चलते हुए आना पड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस चलते चलते। शी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन ड्रिजलिंग नाइट। ड्रिजलिंग नाइट यानी आधी रात और साथ साथ में बारिश हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें आधे रास्ते पे उतारा गया था, रेलवे कंपनी के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने उनको ट्रेन से उतारा। इन अ सूट बाय एच हस्बैंड ऑफ एक्स, केस किया तो किसने किया, जिसे तकलीफ हुई उसके हस्बैंड ने केस किया, एच नाम के व्यक्ति ने केस किया अगेंस्ट द रेलवे कंपनी। इट वॉज हेल्ड दैट damages for the personal inconvenience to H alone would be granted, but not for sickness of the plaintiff's wife
because it was very remote from the premises. अब यहाँ एच ने रेलवे कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि भाई इन रेलवे कंपनी के ऑफिसर ने हमें आधे रास्ते में उतार दिया और हमको चलते चलते आना पड़ा, हमें पर्सनल इनकन्वीनियंस हुई, दुविधा हुई कि आधी रात को बारिश हो रही है और आपने हमें आधे रास्ते में उतार दिया, हमें बहुत तकलीफ हुई, हमें चलते चलते आना पड़ा और चलते चलते आए उसकी, चलो वो तो ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ बीमार हो गई। अब रेलवे का जो ऑफिसर था उसने तो ये सोचा नहीं होगा कि अगर मैं इनको बीच रास्ते में उतार दूंगा तो चलते चलते जाएंगे और इन दोनों में से एक की विकेट गिरेगी यानी बीमार हो जाएंगे, ऐसा तो सोचा नहीं होगा रेलवे एजेंट ने, रेलवे ऑफिसर ने। तो ये हो गया दूर का नुकसान, रिमोट डैमेज। सोचा नहीं था रेलवे ऑफिसर ने कि भाई ये इसकी वाइफ बीमार हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएगी, सीरियस हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा इन लोगों का, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये हो गया इनडायरेक्ट लॉस। ऐसा स्वरूप का इनडायरेक्ट लॉस कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। प्लेंटिव्स वाइफ यानी कंप्लेनेंट कौन है यहाँ पे? हॉब्स। हॉब्स क्या रिकवर कर पाया? सिर्फ पर्सनल इनकन्वीनियंस का लॉस रिकवर कर पाया, लेकिन जो रिमोट डैमेजेस है वो क्लेम नहीं कर पाया इस केस के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, दो लॉसेस हमने डिस्कस कर लिए, तीसरे लॉस पे चलते हैं। आफ्टर ऑर्डिनरी एंड रिमोट वी विल मूव टूवर्ड्स स्पेशल डैमेजेस। विशिष्ट प्रकार का नुकसान अगर होता है तो क्या हम वो क्लेम कर सकते हैं? Can a special damage be claimed if both the contracting parties have reasonably known and have agreed about the damages which may result from the possible breach of their contract? Then these are called as special damages. दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार को ये पता होना चाहिए अच्छे से कि दोनों से अगर एक ने भी ब्रीच किया, गद्दारी की, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो दूसरे को नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा ये भी पता होगा। ये ब्रीच करने से सामने वाले को नुकसान होगा ये तो पता ही है, कितना नुकसान होगा, किस स्वरूप का नुकसान होगा ये भी पता होना चाहिए सामने वाले, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर है तो वहां पे स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम। स्पेशल डैमेज एक ही सिचुएशन में क्लेम किया जा सकता है, जहां अगर ब्रीच होता है तो सामने वाले पक्षकार को ये पता होना चाहिए कि अगर ब्रीच किया जाता है तो दूसरे बंदे को कितना नुकसान होगा। नुकसान होगा ये तो होना ही होना है, लेकिन किस स्वरूप का नुकसान होगा, कैसा नुकसान होगा ये भी पता होगा। When there are certain special circumstances present and their existence is known to both the parties, दोनों पक्षकारों को पता होगा स्पेशल सिचुएशन है, और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिया गया तो सामने वाले को नुकसान होना ही होना। Then the non-performance of the promise entitles the aggrieved party to claim not only the ordinary damages but also special damages that may result from such breach. अगर दोनों पक्षकारों को कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता अच्छे से पता हो तो ना ही सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं बट स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं, अगर ब्रीच हुआ तो। ब्रीच होगा तो ही नुकसान होगा, नुकसान होगा तो ही कॉम्पेंसेशन की डिमांड होगी। ट्रायंगल समझ लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, ब्रीच होगा, कोई ब्रीच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा, ब्रीच करेगा तो वहां डैमेज होगा यानी कि लॉस होगा यानी कि नुकसान होगा, नुकसान होगा तो ही आप कॉम्पेंसेशन की बात करेंगे, आप उसमें से जो मुआवजा है वो मुआवजा मांगने की कोशिश करेंगे कॉम्पेंसेशन। तो ये ना ही सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। अभी तक हमने तीन पढ़े, इससे एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, रिमोट डैमेजेस यानी कि इनडायरेक्ट लॉस कभी भी क्लेम नहीं किए जा सकते। ऑर्डिनरी डैमेजेस आपको मिलने ही मिलने हैं, सिर्फ आपने खाली प्रूफ दे देना है भाई देखिए ये हमारा ऑर्डिनरी लॉस हुआ। स्पेशल डैमेज कब क्लेम कर सकते हैं? जब स्पेशल सिचुएशन क्रिएट होती है। स्पेशल सिचुएशन कब क्रिएट होती है? अगर दो में से एक पक्षकार ब्रीच करता है तो दोनों पक्षकार को ये अच्छी बात ही भली बात ही पता होता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो सामने वाले को ये नुकसान, इतना नुकसान होना ही होना। इसकी नॉलेज एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को दी हुई है,
तो वहां परफॉर्म करना जरूरी है। अगर नहीं करते तो ऑर्डिनरी डैमेज तो क्लेम कर ही सकता है, साथ साथ में स्पेशल डैमेज भी क्लेम करेगा, नुकसान ज्यादा होगा और जिसने ब्रीच किया उसको भरपाई ज्यादा करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, पी मिस्टर पी हु इज अ बिल्डर एग्रीज टू फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बाय 30 नवंबर इन ऑर्डर दैट क्यू मे गिव पोजेशन ऑफ इट ऑन टाइम टू आर टू होम Q has contracted to let it. अब तीन पक्षकार है, पहले तो ये समझ लीजिए, एक है कॉन्ट्रैक्टर यानी कि बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर समझ लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, किसके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ये है जो Q के लिए एक मस्त बंगला बना रहा है, मकान बना के दे रहा है उसको, कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। अब Q के लिए जैसे ही मकान रेडी होगा, P को अच्छे से मालूम है कि Q का जैसे ही मकान रेडी होगा वो R को भाड़े पे देने वाला है। 30 नवंबर को जैसे ही मकान रेडी होगा ये अगले ही दिन मान लीजिए आर को दे देना है भाड़े, और इसका नॉलेज है, किसको नॉलेज है, पी को पता है अच्छे से, नोन टू बोथ द पार्टीज अबाउट द सिचुएशन, दोनों पक्षकारों को ये भली भांति पता है। कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है जैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्शन वाला काम खत्म होगा क्यू को मुझे इसका पोजेशन दे देना है, को जैसे ही 30 नवंबर को पोजीशन दे देना है, वैसे ही अगले दिन यानी के 1 दिसंबर को आर को भाड़े पे देना है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, क्या कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ या कोई घटना घटी। पी इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्यू एंड आर, पी को अच्छे से पता है कि क्यू और आर के बीच में ऐसा भाड़े वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी ये मकान भाड़े पे देना है, ये कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे से पता है। He builds the house so badly that it falls down before 30 November and has to be rebuilt by Q. P ने इतना खराब कंस्ट्रक्शन किया कि ये मकान गिर गया, fall down, collapsed हो गया 30 November से पहले ही ये मकान गिर गया, यानी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मान लीजिए 25 November को जितना मकान रेडी था ऑलमोस्ट खत्म होने आया था और ये मकान गिर गया। अब ये मकान तो गिर गया तो इसकी वजह से वापस क्यों ने इसको रीबिल्ड करवाना पड़ा, रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा, इतना खराब कंस्ट्रक्शन ने करके दिया था। अब चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी की थी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो क्यों को तो नया बनाना पड़ा, नया कोई एक दो दिन में तो बनेगा नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा, मान लीजिए 6 महीने निकल गए पूरा मकान बनाने में अच्छे से क्यों के, अब 6 महीने का भाड़े का लॉस का क्या, वही बात आगे बन रही है, क्या पी क्यू जो है पी से कितनी रिकवरी कर पाएगा, किस स्वरूप की रिकवरी कर पाएगा। एज अ रिजल्ट क्यू लूजेस द रेंट विच ही वाज सपोज टू रिसीव फ्रॉम आर, यहाँ समझिएगा आप अच्छे से कि यहाँ नॉलेज है कि ये मकान जो है भाड़े पे देना था आर को, और भाड़े की इनकम होने वाली क्यू को, वो तो मिलने से रही, तो Q loses the rent which he was supposed to receive from R and is obliged to make compensation to R for the breach of contract. बल्कि R Q को तो दो दो नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, एक तो कंस्ट्रक्शन जो किया था मकान का, वो मकान बहुत ही खराब तरीके से कंस्ट्रक्शन किया, गिर गया मकान तो कोलैप्स हो गया, वो नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ साथ में क्या नुकसान हुआ, जो भाड़ा मिलने वाला तो भाड़ा भी नहीं मिला, आर को भाड़े पे देने वाला था भाड़ा भी नहीं, यानी दो नुकसान हो गया। अब पी मस्ट मेक कॉम्पेंसेशन टू क्यू, अब पी की जिम्मेदारी क्या है, पी ने जो भी नुकसान क्यू को हुआ है वो सारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, फॉर द कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग द हाउस, फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया, ठीक है, जिसे हम ऑर्डिनरी डैमेज कहेंगे, फिर से निर्माण तो करना पड़ेगा ना मकान का, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डैमेज, फॉर द रेंट लॉस जिसे हम स्पेशल डैमेज कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पेशल डैमेज, ये बताया हुआ था कि इसको भाड़े पे देना है, अगर नहीं बताया होता तो ये भाड़े का लॉस नहीं रिकवर कर पाता, लेकिन बताया था क्यू ने पी को कि ये जो मकान है आप मुझे ये डेट तक रेडी करके दीजिएगा, मुझे भाड़े पे चढ़ाना है, ठीक है, मकान तो रेडी हो नहीं पाया, हुआ तो खराब तरीके से हुआ, कॉलेप्स हो गया, गिर गया, तो क्या किया जाए, भाड़े की इनकम तो हुई नहीं, तो वो नुकसान स्पेशल लॉस स्पेशल डैमेज भी यहाँ क्लेम किया गया और मिला, तो एंड फॉर द कॉम्पेंसेशन मेड टू आर, आर को भी जो कॉम्पेंसेशन पे किया गया वो आर ने भी तो क्लेम किया ना, तीन तीन ओवरऑल तीन तीन नुकसान मांगे गए, इसमें एक ऑर्डिनरी डैमेज था,
कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन और बाकी के स्पेशल डैमेजेस, एक तो भाड़े की इनकम नहीं, ऊपर से हर्जाना देना पड़ा सामने वाले को, आर को, इन दोनों को मर्ज करके ये स्पेशल डैमेजेस हुआ, ये भी क्लेम किया गया। दस कम्युनिकेशन ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर क्लेमिंग स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप सारे की सारी सिचुएशन क्लियर कट सामने वाले को बता दें, अच्छे से कम्युनिकेशन कर दें, तभी आपको स्पेशल डैमेज आप क्लेम कर पाएंगे। सामने वाले को नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो ब्रीच करता है तो किस स्वरूप का नुकसान हो सकता है। अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर देते हैं तो आप स्पेशल डैमेज भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सामने वालों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ डैमेज पे चलते हैं, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस जिसे पनिशेबल इवेंट के हिसाब से माना जाता है, यानी पनिशमेंट जैसा होता है। जैसे कुछ कंट्रीज में आज भी ये प्रथा है कि भाई अगर किसी ने भी चोरी की तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होते हैं, एक्सट्रीम पनिशमेंट उदाहरण के तौर पे रखा जाता है समाज के सामने कि अगली बार कोई चोरी ना करे। हमारे यहाँ इतनी सीवियर पनिशमेंट नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं मिलती। अगर हम हमारे यहाँ पे भी कोई बंदा चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए तो है ना सीवियर पनिशमेंट, कोई सोचेगा भी नहीं चोरी करने के बारे में। जो चेन स्नेचर्स हैं दुनिया भर के, तो जो ज्वेलरी की शॉप्स आजकल लूटी जा रही है करंट सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बंद हो जाएगा अगर इतनी सीवियर पनिशमेंट दी जाए तो। लेकिन ये मानव अधिकार के खिलाफ हो जाता है, ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, हमारे भारत में अलाउड नहीं है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस आर अवॉर्डेड सिंपली टू शो द कोर्ट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर। एग्जेम्पलरी डैमेजेस तभी अवॉर्ड किए जाते हैं जहां कोर्ट को लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक ऐसी सजा करनी चाहिए कि सामने वाला बंदा हजार बार सोचे ऐसा काम करने से पहले। दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू द एक्चुअल मॉनेटरी लॉस सफर्ड बाय द एग्रेड पार्टी बट आर इम्पोज्ड बाय वे ऑफ पनिशमेंट। ये जो रकम यहाँ पे अवार्ड की जाती है, मान लीजिए 500 का नुकसान हुआ है तो शायद 5,00,000 की रकम देने की बात होता है, तो एक पनिशमेंट के तौर पे ये एक फाइन जिसे हम पेनल्टी कहते हैं, बस उस पेनल्टी उस फाइन की यहाँ बात होगी, लेकिन ये बहुत तगड़ी रकम होती है। अगली बार बंदा 10 बार सोचेगा ऐसा करने से, तो एक एग्जाम्पल सेट करने के बेसिस पे इस तरीके की पेनल्टी ला दी जाती है। सच टाइप्स ऑफ पेनल्टी आर लेड डाउन बाय द कोर्ट। To set an example, generally such damages are awarded in cases of हर situation में इस प्रकार के exemplary damages आप claim नहीं कर सकते, यानी court भी आपको award नहीं करेगी, court भी आपको दिलवाएगी नहीं, दो situation में ही आपको इस तरीके के damages आप claim कर सकते हैं और आपको मिल सकते हैं। ये दो ही situation, तीसरी कोई situation आएगी नहीं, जैसे तैसे बिल्कुल मत लिखिए। पहली सिचुएशन है ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, किसी ने शादी का वादा किया और बाद में शादी नहीं करता है, मुखर जाता है, विचार बदल देता है, किसी और से शादी कर लेता है, तो वहां ब्रीच हो गया। अगर ब्रीच हुआ, दो में से एक पक्षकार ने साबित कर दिया कि ये देखिए लव लेटर जो इसने लिखे थे मुझे, ये देखिए वैलेंटाइन के दिन मुझे इसने ये कार्ड दिया था, गिफ्ट दिया था, वगैरह 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 साबित कर दिया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। मींस कोर्ट खुद इस तरीके की सजा देगा कि सामने वाला हजार बार सोचेगा कि भाई शादी का वादा किया निभाना पड़ेगा, ब्रीच नहीं करना है नहीं तो अदालत मुझे छोड़ेगी नहीं, कोर्ट मुझे छोड़ेगा नहीं, लॉ मुझे छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे इस तरीके के एग्जेम्पलरी डैमेजेस यहाँ पे सेट किए जा सकते हैं इस सिचुएशन में कि अगली बार कोई धोखा ना दे, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेले, किसी के सेंटीमेंट्स के साथ ना खेले, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दूसरी सिचुएशन है रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक बाय अ बैंकर। बैंक ने अगर कोई चेक को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, जिसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं, इस सिचुएशन में सीवियर पनिशमेंट होगी बैंक को। किसको पनिशमेंट होगी? बैंक को पनिशमेंट होगी। आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े हो, आपने किसी को 500 रुपए का चेक लिख के दिया है पेमेंट करने के लिए, अगर वो 500 रुपए का चेक रिटर्न हो जाए तो हमारे प्रेस्टीज की, हमारे गुडविल की भजियां उड़ जाए। क्या वैल्यू रहेगी हमारी मार्केट में?
जिसको हमने 500 रुपए का चेक दिया होगा पेमेंट के तौर पे, मान लीजिए किसी का बाकी था, 500 का चेक आपने लिखा, 500 का चेक रिटर्न आएगा, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके अकाउंट में फुल बैलेंस है, सफिशियंट बैलेंस है, फिर भी आपका चेक रिटर्न आता है, तो इस सिचुएशन में आपकी प्रेस्टीज क्या रह जाएगी, क्या गुडविल रह जाएगी मार्केट में? आप फेमस हो जाएंगे, जिसका जिस पार्टी को आपने चेक दिया था वो आपको फेमस कर देगा कि भाई शर्मा जी से व्यवहार मत करना, इनके अकाउंट में 500 रुपए भी नहीं होते, देखो 500 का चेक रिटर्न आया, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, फेमस कर देते हैं। तो जितनी रकम छोटी भूल इतनी ही बड़ी मानी जाती है, और यहाँ पे बैंकर को पनिश किया जाएगा। मान लीजिए 500 का नुकसान हुआ, 5 लाख की भरपाई करी जाए, बैंकर से 5 लाख रुपए मांगे जाए इस सिचुएशन में, कि भाई जितनी अमाउंट छोटी होगी उतनी ही रकम ज्यादा देनी पड़ेगी डैमेज की। मेजर ऑफ डैमेजेस इन सच ऑफ ब्रीच इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इज डिपेंडेड अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द शॉक ऑफ द फीलिंग्स एंड द गुडविल ऑफ द प्रॉमिस। सामने वाले की फीलिंग्स को कितना झटका, अगर आपने मैरिज की बात की थी, मैरिज नहीं करते हैं और सामने वाली हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसको ग्लूकोज का बाटला चढ़ जाए, उसको कुछ तकलीफ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ जाती है। अगर हम ब्रीच करते हैं तो उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि क्या सजा देनी है, कितनी सजा देनी है, रकम में देनी है या शादी करवा देनी है, क्या करना है, ये कोर्ट डिसाइड करे। इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, अगर बैंक ने बाई मिस्टेक गलती से आपका चेक नकार दिया है, रिटर्न कर दिया है, तो रूल क्या कहता है, क्या पनिशमेंट होगी बैंक को? स्मॉलर द अमाउंट ऑफ द चेक, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस विल बी अवार्डेड। जितनी छोटी रकम होगी चेक के अंदर, उतनी बड़ी रकम डैमेज की कोर्ट आपको दिलवाएगा, कस्टमर को दिलवाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, रूल नंबर 5, नॉमिनल डैमेजेस, सिर्फ नाम का कॉम्पेंसेशन। बहुत ही आसान चीज है ये। नॉमिनल डैमेज क्या होता है? नॉमिनल डैमेजेस रेफर टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट, शायद 1 रुपया भी हो, 10 रुपये भी हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, बस नाम का ये कॉम्पेंसेशन है, सिर्फ नाम का। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल का मतलब ये होती है छोटी रकम, एकदम छोटी रकम, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। सो नॉमिनल डैमेजेस रेफर टू अ वेरी स्मॉल अमाउंट अवॉर्डेड बाय द कोर्ट व्हेन द एग्रेव्ड पार्टी कैन नॉट प्रूव एनी सब्सटेंशियल लॉस सफर्ड बाय। नुकसान हुआ ही नहीं है, ये वो सिचुएशन, पक्षकार को, पीड़ित पक्षकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना के बराबर नुकसान हुआ, तो वहां नॉमिनल डैमेजेस की बात आती है, बहुत ही छोटी रकम दी जाए। Thus or neither, thus this damages are neither awarded by way of compensation to the aggrieved party nor by way of punishment to the defaulter। कोई कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला, ना ही कोई पनिशमेंट की बात है, ये नॉमिनल बात, छोटी बात। एकदम सरल शब्दों में समझना हो तो नॉमिनल डैमेजेस इज अवॉर्डेड इन केस वेयर द इंजर्ड पार्टी इज एबल टू प्रूव अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट हैज नॉट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज में एकदम सिंपल सा रूल है। क्या सिंपल सा रूल है? कि यहाँ पक्षकार सिर्फ इतना साबित कर पाता है कि ब्रीच हुआ है, गद्दारी की है, इसने मुझे कहा था कि ये मुझे 1200 बैग राइस के देगा 200 के भाव के हिसाब से, इसने दिए नहीं, ब्रीच किया, मैं इसको अदालत को लेके आया हूँ, अदालत इसलिए लेके आया हूँ कि इसको पता चले कि ब्रीच नहीं करना है जिंदगी में, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है। ये तो अच्छी बात है कि 200 के भाव के हिसाब से मुझे 1200 बैग उसी दिन मार्केट में से मिल गए, मुझे कोई रियल डैमेज नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसको सबक सिखाने के लिए, मीन्स इसको महसूस कराने के लिए मैं इसको अदालत में क्या आया कि अगली बार ये कभी भी ब्रीच नहीं करे। ये तो अच्छी बात है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, अगर नुकसान होता तो इसे मुझे ऑर्डिनरी डैमेजेस के हिसाब से मुझे देना पड़ता, नुकसान की भरपाई करनी पड़ती इसे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है तो यहाँ नॉमिनल डैमेज 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 100 रुपया जो जज डिसाइड करे उतनी रकम देंगे। और आखिरी पॉइंट है मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? आखिरी पॉइंट, आखिरी नियम पे चलते हैं। मिटिगेशन मींस एन एफर्ट टू मिनिमाइज द लॉस। जब नुकसान होता है तब हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस नुकसान को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है। कुछ लोग मैक्सिमाइज करते हैं नुकसान को, भले आग लगी और आग लगाओ और पेट्रोल छिड़को, ऐसा नहीं करना है। पेट्रोल को
नहीं छिड़कना है अपने, हमने उसको बल्कि बुझाना है उस आग को, कुछ लोग तो और आग लगाते हैं। तो हमें क्या करना है सर, पूरी एफर्ट करनी है कि उस लॉस को मिनिमाइज करें। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एग्रीड पार्टी टू टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू मिटिगेट द डैमेजेस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी जरूरी स्टेप्स हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, हम जितना कुछ कर सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई आप फायर ब्रिगेड बुलवा लीजिए अगर आग लगी तो, उतना नुकसान कम होगा। तो ये सारी कोशिशें हमें करनी चाहिए, हमें खुद भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए, ये हमें करना चाहिए, ना कि बैठे बैठे देखना चाहिए क्या आग लगी, वाह चलिए और पेट्रोल छिड़कते और आग लगाते, ऐसा नहीं करना, बैठे भी नहीं रहना, सॉल्व करना है। He cannot claim for losses which he is not due to breach of contract, but due to his own neglect to mitigate the loss after the breach of contract. आप यहाँ पे नुकसान क्लेम नहीं कर सकते which is not due to breach of contract. अगर breach of contract होता है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन breach of contract होने के बाद हमारी negligence नहीं होनी चाहिए, हमारी लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से loss की रकम बढ़े। हमें पूरा ध्यान रखना है ब्रीच होने के बाद जो नुकसान हो रहा है, और नुकसान कम हो बड़े नहीं, नुकसान को मिनिमाइज करना, ये हमारी ड्यूटी है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु हैज मेड ब्रीच। ब्रीच करने के बाद जो एग्राइड पार्टी है उसको भी ध्यान रखना है कि नुकसान बढ़े नहीं, एग्राइड पार्टी को ये ध्यान रखना है नुकसान की रकम बढ़ानी नहीं, आपको मिलेगी नहीं वो रकम अगर आप बढ़ाते हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। एन के अ टेनेंट टुक अ शॉप ऑन रेंट एंड गिव एन एडवांस टू पी के। एन के नाम की व्यक्ति जो एक भाड़ुआ है, टेनेंट है, उसने एक शॉप भाड़े पे ली और एडवांस की रकम उस दुकान के मालिक जो पी के उनको दे दी, ओनर को दे दी, ये लीजिए एडवांस और मुझे आपकी शॉप चाहिए रेंट की, अभी मिली नहीं, मिलने वाली, पोजेशन नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला। Thereafter, PK would not give NK the possession of the shop. उसके बाद PK ने वो शॉप देनी थी, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं दे पा रहा था, कुछ रीजन था जिस रीजन की वजह से वो उसको पोजेशन नहीं दे रहा था। NK choose to do no business for 8 months though there were other shops available in the same vicinity. पीके ने उसको शॉप नहीं दी भाड़े पे, तो एनके तो घर पे जाके बैठ गया राजा की तरह, नहीं नहीं वो जब मुझे शॉप देगा तभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 8 महीने तक घर पे बैठा रहा। तो क्या 8 महीने तक अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो क्या आपके पास इनकम चलती हुई आएगी? है? पीके की कोई जिम्मेदारी है वहां पे? पीके की जिम्मेदारी है कि नहीं नहीं 8 महीने तक का राशन मैं दूंगा एनके को, मेरे पैसे से वो जिएगा, उसका घर चलेगा, ऐसा होगा? नहीं, एनके को बैठ नहीं जाना है, उसके आसपास में दूसरे ऑप्शन ढूंढने चाहिए। क्या ये दुकान मुझे नहीं दे रहा, ठीक है क्या दूसरी कोई दुकान अवेलेबल है सेम विसिनिटी के अंदर, सेम लोकलिटी के अंदर, सेम एरिया के अंदर, आसपास में कोई और दुकान है और शॉप है, चलो ढूंढते हैं तो वहां भाड़ा पूछते हैं क्या है, वहां मैं कुछ नई ट्राई करता हूँ, नई कोशिश करता हूँ। नहीं, वो तो बंदा बैठ गया, जनाब बैठ गया, उसने तो नुकसान बढ़ाया बैठ के, 8 महीने तक घर पे बैठ गया, कोई धंधा नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, तो क्या इसकी भरपाई पीके करके देगा? बिल्कुल नहीं। Held NK was entitled only to a refund of his advance as his duty was to minimize the damages and he could have done so by taking another shot. यहां अगर NK केस करता है पीके के ऊपर तो NK क्या रिकवर कर पाएगा? जितनी रकम उसने एडवांस दी थी वही बस, और उसे कुछ नहीं मिलने वाला। मान लीजिए 50,000 का एडवांस दिया होता, 50,000 का एडवांस और रिफंड कर सकता है, रिकवर कर सकता है, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी जगह पे अगर वो चाहता तो क्या कर सकता, अपनी डैमेजेस को मिनिमाइज कर सकता था, कम कर सकता था। कैसे कर सकता था? बाय फाइंडिंग अदर ऑप्शंस, दूसरी शॉप्स ढूंढ कर वहां पे वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, ना कि बैठना। आप घर पे बैठ जाओगे, 1 साल बाद में राजा बनूंगा, तो ये आपका सपना सपना ही रहेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, मेहनत करो।